गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम अपने ऑनलाइन स्टडीज से फिर से मिलने वाले हैं। अब मैं आपको मेरा परिचय देती हूँ। माई सेल्फ मिस रंजना, और ये साल मैं आपको हिंदी यह सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो यह है हमारी स्टैंडर्ड 8 की हिंदी टेक्स्ट बुक। आई होप आप सभी के पास यह टेक्स्ट बुक होगी। यह हमारे हिंदी टेक्स्ट बुक का मुख्य पृष्ठ है, मतलब फ्रंट पेज है। उसके बाद 2-3 पेजेस छोड़कर यह हमारी अनुक्रमणिका है, मतलब जिसे हम इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। इस अनुक्रमणिका में 2 भाग होते हैं, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट, मतलब पहली इकाई और दूसरी इकाई। पहली इकाई में कविता और पाठ पकड़कर टोटल 9 लेसन हमें देखने हैं, तो दूसरी इकाई में भी हमें पाठ और कविताएं पकड़कर टोटल 9 लेसन्स को देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने पाठ की शुरुआत पहली इकाई से करते हैं। इसमें हमें 5 पाठ और 4 कविताएं देखनी है, मतलब 5 लेसन्स एंड 4 पोएम्स। हमारी पहली इकाई की पहली कविता, मतलब पहली पोएम, तो पहली कविता है हे मातृभूमि। मातृभूमि मतलब वह देश जहाँ हम पैदा हुए, वह अपना देश, वह स्थान जिसे हम स्वदेश कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे मदरलैंड भी कहते हैं। मातृभूमि का और एक अर्थ मैं आपको बताती हूँ। जिस जमीन का या जिस भूमि का अन्न हम खाते हैं, उसे भी हम मातृभूमि कहते हैं। इस कविता के कवि हैं, कवि मतलब पोएट, जो पोएम ये कविताएं, मतलब जो कविताएं लिखता है उसे हम कवि कहते हैं, मतलब पोएट यानी कि कवि। तो जो कविताएं लिखता है, पोएम लिखता है, उसे हम क्या कहेंगे, कवि। तो इस कविता के कवि हैं कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी। अब सभी ने आपका टेक्स्ट बुक ओपन किया है ना? अब देखते हैं इस कवि का परिचय। कवि का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अब यहाँ पर यह जो बिस्मिल जी यह कवि है, यह स्वतंत्रता सेनानी, मतलब उन्होंने अपना भारत देश स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने उसमें भाग लिया था, वो एक क्रांतिकारी थे। आप उसके साथ साथ उन्होंने कविताएं और साहित्य, मतलब लेखन भी किया। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, मतलब उन्होंने जो किताबें लिखी है उनका नाम है मन की लहर, आत्मकथा आदि। अब पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रांतिकारी, बहुत सारे बच्चों को क्रांतिकारी यह वर्ड पढ़ने तो आता है,
हम सुनते भी हैं लेकिन इसका अर्थ मालूम नहीं होता है एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। क्रांतिकारी मतलब किसी बदलाव की कोशिश करने वाला या किसी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा बदलाव करने चाहने वाला। मतलब मैं फिर से बताती हूँ कि क्रांतिकारी मतलब किसी बदलाव की कोशिश करने वाला या किसी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन चाहने वाला, इसे हम क्रांतिकारी कहते हैं। तो यहाँ पर अपने कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने भी अपना भारत देश, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए बहुत कोशिश की है, इसलिए उन्हें भी क्रांतिकारी कहा गया है। इससे समझ में आता है कि उनका अपने देश के प्रति कितना प्रेम था, कितनी भक्ति उनके मन में थी। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो यहाँ इस कविता में हमें समझ में आता है कि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपना पूरा तन मन अपने देश के लिए निछावर, अपने देश के लिए बलिदान किया है। अब हम अपने कविता को शुरुआत करते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं। शीश मतलब सिर, नवाऊं मतलब झुकाना। अब यहाँ पर कवि मातृभूमि को, अपने देश को, अपने स्वदेश को कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों में, आपके कदमों में मेरा सर झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मैं भक्ति भेंट, भेंट मतलब गिफ्ट, एक उपहार, एक तोहफा। इस तोहफे के, इस गिफ्ट के तौर पर मैं आपको भक्ति, मेरी जो भक्ति है, मेरा जो प्यार है, यह मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। यह भक्ति मैं आपको गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ और तेरी शरण में लाऊं। यह मेरा भक्ति रूप में, यह जो मेरी भेंट है, यह मैं आपके चरणों में लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, तेरे चरणों में मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। अब माथे पे तू हो चंदन, माथा मतलब मस्तक और चंदन मतलब एक वृक्ष जिसकी लकड़ी को घिसने के बाद उसकी सुगंध, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसे हम चंदन कहते हैं। तो माथे पे तू हो चंदन मतलब उस चंदन का जो टीका है वो माथे पे जो हम लगाते हैं, तो वो माथे पे जो टीका है चंदन का। छाती पे तू हो माला, और जो माला हम पहनते हैं, जो गले में फूलों का हार पहनते हैं, फूलों की माला, वह छाती पे जो है वो तुम्हारी हो। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिह्वा मतलब जीभ, टंग, जिस जीभ से हम बोलते हैं उसे यहाँ पर जिह्वा कहा गया है। तो जिह्वा पे गीत हो मेरा मतलब यहाँ पर मेरे मुख पर जो गाने आने वाले हैं वह तुम्हारे ही है। तेरा ही नाम गाऊं, मैं हर दिन तुम्हारा ही नाम मतलब मातृभूमि है, मातृभूमि में तुम्हारा ही नाम लेता रहूं। अब यहाँ पर अपनी भक्ति भेंट रूप में अर्पण करना चाहते हैं कवि, और अपने देशभक्ति मातृभूमि को समर्पित करते हुए मातृभूमि के शरण में जाने की ही कवि की इच्छा है। और मातृभूमि कवि के मस्तक पर चंदन के समान शुभ सुगंधित एवं शीतल है और छाती पर माला के समान सुशोभित है। और कवि को जिह्वा पर मातृभूमि के गीत है और सदैव मातृभूमि का ही नाम है। तो यहाँ पर कवि सदैव अपने मुख पर मातृभूमि का ही नाम लेना चाहते हैं।
जैसे 15 अगस्त रहता है, 26 जनवरी रहती है, तब हम क्या करते हैं, भक्ति गीत बोलते हैं ना, गाते हैं कि नहीं। इसी तरह यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो खाली 15 अगस्त ही नहीं या 26 जनवरी ही नहीं, यहाँ पर हर दिन मेरे जिह्वा पर, मेरे मुख पर तुम्हारा ही नाम मैं लेता रहूं। जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस धरती पर, जिस मातृभूमि पर सपुत मतलब अच्छे पुत्र उपजे मतलब जन्म लिया है, अच्छे पुत्रों ने जन्म लिया है। अब यहाँ पर अच्छे पुत्र कौन कहा गया है, श्री राम कृष्ण। तो कवि कहते हैं कि इस मातृभूमि पर श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया, मतलब अच्छे पुत्रों ने जन्म लिया, ऐसी भूमि उस धूल को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊँ। उस धूल को मतलब उसी मिट्टी को, धूल मतलब वह मिट्टी को मैं तेरी नीज शीश पे चढ़ाऊँ, मैं तुम्हारे चरणों में उसे चढ़ाऊँ। तो इन सुपुत्रों के महान कार्यों से यह धरती पावन बनी है। इस पावन भूमि की धूल कवि हर दिन अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं। तो यह जो सुपुत्र जन्मे और उन्होंने जो कार्य किए, महान कार्य किए, तो उस धरती उनके यह महान कामों से यह धरती क्या हुई है, पावन बन चुकी है, पवित्र बन चुकी है। तो इस पावन भूमि, इस पवित्र भूमि की जो धूल है, जो मिट्टी है, यह कवि हर दिन अपने मस्तक पर लगाना, अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। अब माई मतलब माँ, समुद्र जिसकी पद रज, पद मतलब चरण, रज मतलब धूल और नित्य मतलब सदा, मतलब हर रोज। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि यह जो चरण, समुद्र की जो धूल है, यह आपके चरणों में मैं रोज लगाना चाहता हूँ। जैसे कि हे माँ जिसके चरण रज को धोकर समुद्र तुझे प्रणाम करता है, मैं चाहता हूँ कि तेरे चरणों की सेवा करूँ। अब हम समुद्र किनारे जाते हैं तब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो समुद्र की लहरें आती है और वो उस मिट्टी को टच करते, समुद्र के किनारे को टच कर वापस चले जाते हैं। तो ऐसे लगते हैं कि वो जैसे उस समुद्र किनारे को शरण जाकर, किनारे को टच कर मतलब उसको उसके माथे को, उसके पैरों को टच कर उसका आशीर्वाद लेकर वो वापस लहरें चली जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए कवि कहते हैं कि माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, मतलब वो चरणों को धोकर वापस चले जाते हैं। तो करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊँ। तो वो जो प्रणाम करता है वो चरण में दबाना चाहता हूँ, मतलब चरण दबाकर मैं तुम्हारे कष्ट दूर करूं, मतलब आपके चरण दबाकर, मतलब सचमुच चरण दबाने के लिए कह रहे हैं मातृभूमि का नहीं, इसका मतलब हम अच्छे, हमें कर्म करने चाहिए, इससे हमारे मातृभूमि का बोझ या हमारे मातृभूमि को अच्छा लगेगा, ऐसे कार्य हमें करते रहने चाहिए। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, अब यहाँ पर सेवा में तेरी माता मतलब तुम्हारे सेवा में है मातृभूमि, तुम्हारे सेवा में मतलब मैं भेदभाव तज कर, मतलब मैं कोई भी भेदभाव मैं रखना नहीं चाहता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे कौन से भी भेदभाव मेरे मन में नहीं होंगे और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो सारे भेदभाव मिटा कर मैं तेरी सेवा करूँगा और मेरी जिह्वा पर केवल तुम्हारा पवित्र नाम हो और मेरे कानों में केवल तुम्हारा ही पावन नाम सुनाई पड़े। तो यहाँ पर
सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाऊं। तो कौन सा भी भेदभाव, कोई भी भेदभाव मेरे मन में नहीं रहेगा और वह पुण्य नाम तुम्हारा, यह तुम्हारा पुण्य मतलब पवित्र पावन नाम प्रतिदिन सुनूं, हर दिन मैं सुनना चाहता हूं और दूसरों को सुनाना चाहता हूं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। अब कवि यहाँ पर बताते हैं कि मैं तेरे ही काम आऊं, मतलब मैं मातृभूमि के या स्वदेश के ही काम आऊं और तेरा ही मंत्र गाऊं, मतलब तुम्हारे ही गीत में सदा गाता रहूं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। अब देह मतलब शरीर, बलिदान मतलब निछावर करना। तो मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, तो मेरा मन, मेरा देह मतलब मेरा शरीर, सब में तुम्हें निछावर, तुम्हें सरेंडर, तुम्हें तुम्हारे लिए मैं बलिदान करना चाहता हूँ। तो मैं मेरा जीवन मैं तुम्हारे ही काम आता रहूँ, तुम्हारा ही मंत्र मतलब तुम्हारा ही गीत गाता रहूँ। मेरा तन और मन मतलब मेरा शरीर और मेरा मन तुम पर ही निछावर मतलब मातृभूमि पर ही निछावर हो, यही मेरी लालसा है, मतलब यही कवि की कोशिश है और यही कवि की इच्छा है। तो बच्चों यह कविता आप सभी को समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमें कवि इस कविता में क्या समझाना चाहते हैं, तो प्रस्तुत कविता पर, यह कविता जो है देशभक्ति पर आधारित है, बराबर। इस रचना द्वारा कवि अपना देश प्रेम, कवि ने अपना देश प्रेम व्यक्त किया है, देश के प्रति उन्हें कितना लगाव है, कितना प्रेम है, यह इस कविता से हमें समझ में आता है। तो हमें इस कविता से क्या सीख मिल रही है कि जीवन में सर्वप्रथम देश प्रेम को महत्व देना चाहिए। हमें देश प्रेम खाली जो स्वतंत्रता सैनिक है या हमारे जो पुलिस है, हमारे डॉक्टर्स है, उन्हें ही हमें देश की सेवा करनी चाहिए, नहीं। तो हमारा भी कर्तव्य है, हमें भी अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो जीवन में सर्वप्रथम देश प्रेम को महत्व देना चाहिए और उसकी खातिर अपना तन मन और धन निछावर करना चाहिए, यही आदर्श इस कविता द्वारा कवि हमें देना चाहते हैं।